कर रहे थे 1858 के अधिनियम के बाद, वो 1892 के अधिनियम के बाद। तो 1852 का अधिनियम ये था कि इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो 1892 के अधिनियम में ये बात थी कि केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था 1892 में। अब क्या था, बढ़ा दी गई। उसके बाद बढ़ा दी गई तो, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत रहता था, तो इसने विधान परिषदों के कार्यों में 1892 के अधिनियम ने इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब विधान परिषद के सदस्य थे कार्यपालिका में बैठ के या संसद में बैठ के बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न का उत्तर भी दे सकते थे 1892 के अधिनियम में। आगे बात क्या बात थी इसमें, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर जनरल और नगर पालिका विश्वविद्यालय भी सदस्य थे। ठीक है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। भाई जैसे आज के संविधान में जो कहते हैं कि नामांकित सदस्य है ना, जो चुने ही नहीं जाते, सेम कंडीशन ये थी कि नगर पालिका से, विश्वविद्यालय से, व्यापार संघ से, जमींदारी, उनको गैर सरकारी सदस्य बोला जा रहा है उस समय। ठीक है, आज के समय में नामांकित सदस्य बोला जाता है, तो ये बात है। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद दोनों में, 1892 के अधिनियम की बात हो रही है, ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ, इसे निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा जाता है। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई और उसके लिए चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग कहीं नहीं हुआ, ठीक है, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। कौन से अधिनियम को, 1892 के अधिनियम को। आगे बात कर ले रहे हैं, एक नया और महत्वपूर्ण अधिनियम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा वाला, 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। इस अधिनियम को सबसे पहली बात तो यह है कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटर सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। कौन से अधिनियम को, 1919 के अधिनियम, तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटर सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक, उस समय। अब ये बात आ रही है कि मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव से, ठीक है, एक नया पद बनाया गया था 1858 में, ठीक है, भारत सचिव, तो वही चली आ रही कहानी। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। और क्या था, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। कौन से अधिनियम ने, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 7 हो गई, प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग जगह था, अलग अलग थी, लेकिन जो सेंट्रल में जो विधान परिषदों की संख्या में आकार में वृद्धि होगी 1660 लोग हो गया, ठीक है। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा,
लेकिन क्रांति परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी। गैर सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य बोलता है, ठीक है, नगर पालिका से विश्वविद्यालय से चुन लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव हो रहा था। तो इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य बहुमत को अनुमति नहीं थी। कौन सा अधिनियम है? कमीशन नौकरी अधिनियम। आगे बात करते हैं क्या इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों परिषदों विधानसभा विधान परिषदों में उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट संकल्प रखना, ये भी इस बात में आ गया। अब प्रश्न ये आता है कि बताइए किस अधिनियम में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 1660 हो गई? तो आप बताओगे 1909 वाले अधिनियम में, ठीक है। और इसमें ये बताओगे कि जो 1909 का अधिनियम था उसमें उस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? उस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे माले मिंटो सुधार, ठीक है। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति नहीं थी। इस दोनों स्तरों पर विधान परिषद की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1909 के अधिनियम से पहले दो चार बातें और हैं जो इसकी बात कर लेते हैं। कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं अभी? अभी अपन लोग बात कर रहे हैं 1909 वाले अधिनियम की। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ, 1909 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भारतीय कार्यकारी गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। क्वेश्चन आता है कि पहली बार कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे? तो आपको बताना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। और क्या हुआ था पाँच नंबर पे? पॉइंट पाँच पर देखते हैं कि और क्या हुआ था इसमें। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। अच्छा, ये बात जो सारी बातें हो रही हैं ये हो रही हैं भाई आपके 1909 के अधिनियम की, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि पृथक निर्वाचन की जो नींव पड़ गई थी वो किस अधिनियम में पड़ गई थी? तो आप बता सकते हो कि उस अधिनियम में जिसमें पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जिसको उसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बात थी? तो पहले सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे जो वायसराय की कार्यकाल परिषद के सदस्य बने थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। कभी कभी ये पूछ लेता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यपालिका परिषद का जो सदस्य बनाया गया था तो वो कौन किस तरह के सदस्य थे, मतलब उनका पद क्या था? तो आपको बताना है कि उनका जो पद था वो विधि सदस्य का था, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम ने कौन से अधिनियम ने 1909 के इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया। भाई अब ये बात रख दी गई कि भाई मुस्लिमों को जो चुनाव अगर होगा तो वो उसमें वोट वही डाल पाएंगे और खड़ा भी वही हो पाएंगे चुनाव में। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करेगी 1909 में पार्लियामेंट सुधार में, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि प्रावधान किया। भाई अब चुने जाएंगे लोग, कहाँ से कितने चुने जाएंगे ये भी प्रावधान कर दिया, ठीक है। तो ये सारी छः पॉइंट थे, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं छः पॉइंट में कि क्या क्या पॉइंट थे। तो छः पॉइंट में पहला पॉइंट ये था कि इस माले मिंटो सुधार अधिनियम में कि 1909 के अधिनियम की विशेषता ये थी कि इस अधिनियम में जो बात थी, इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार कहते थे। क्यों कहते थे?
लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में जो थे भारत के राज सचिव थे, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो वो वायसराय थे और मार्ले जो थे भारत के राज सचिव थे इंग्लैंड में। इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की, केंद्रीय परिषद में जो सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, ठीक है। और क्या था ये 16 से 60 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। नंबर दो था, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा और लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। और क्या थी तीसरी बात, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। और क्या किया था भाई, उदाहरण के तौर पर अनुरूप पहली बार बजट पर जो पूछ अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प रख सकते थे, ठीक है। अच्छा आगे बात क्या थी इसमें, चार नंबर पर, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का मतलब गठजोड़ बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। और क्या था, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन, पहली बार तो भारतीयों को चुना गया, मुस्लिम सदस्यों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, परिषद की 16 से 60 सदस्य कर दिए गए, बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बात बोली गई, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो थे कौन, वायसराय थे, ठीक है, वायसराय। और इसने और क्या किया था, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात कर ले रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की, 9 की बात होगी, अब चल रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें क्या बात थी देखते हैं, इसमें ये बात थी कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने पहली बार 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका देश भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा। अब पहली बार ब्रिटेन ने ये बात बोली कि भाई हमारा जो देश था भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा करता था, जो जिम्मेदार सरकार बने पूरे देश को जो चला सके, ये हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य कोई भारत को लूटना और खसोटना नहीं था, ठीक है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, कौन से अधिनियम को, 1919 को मॉन्टिंग, कहीं कहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी होता है, कहीं कहीं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग भारत के भारत सचिव थे ये रहे, जबकि चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे मॉन्टेग वो भारत के राज सचिव थे। जैसे लॉर्ड मार्ले थे भारत सचिव 1909 में और मिंटो थे वायसराय, ऐसे ही चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय और मॉन्टेग्यू थे जो वो राज सचिव थे, ठीक। आगे चलते हैं, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम की विशेषता नंबर एक, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की सूची को पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, ठीक है, कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया। केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची पहचानी गई और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। सूची बनाई गई, अभी भी भारतीय संविधान में सूची है, संबंधित सूची राज्य सूची ऐसी एक सूची बनाई गई। विषयों पर विधान बनाने के अधिकार प्रदान किया गया किनको, विधान परिषदों को, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। आगे चलते हैं, इसने प्रांतीय विषय को पूरे दो भागों में बांट दिया। अब प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। प्रश्न आता है कि किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, तो उन्हें बांटा गया, पहले भी बांटा गया था। विषयों पर गवर्नर का दो विषय थे, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था, इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, यूनानी शब्द डाइआर्की से उत्पन्न द्वैध शासन कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। तो द्वैध शासन की ऐसी व्यवस्था को जो है, कैसी व्यवस्था को जिसमें क्या करेगा,
दो विषय बनाए गए, एक हस्तांतरित और अरक्षित, और अरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था। दोनों ही तरीके से वो कंट्रोल करता था, जैसे राज्य में राज्यपाल हो गया ना, सेम कंडीशन ये वाली लागू की गई। सेंट्रल में राष्ट्रपति हो गया, वो वाली कंडीशन ये लागू की गई कब, 1909 के अधिनियम में। और क्या हुआ था भाई, और देख ले रहे हैं इस अधिनियम में, कौन से अधिनियम में बात चल रही है भाई, 1909 के अधिनियम की बात चल रही है। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 1919 में आई। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि 1919 में क्या हुआ था महत्वपूर्ण, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आई, द्विसदनीय व्यवस्था भी आई, यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया, और चुनाव के माध्यम से कई सदस्य चुने जाने लगे। और अगला पॉइंट क्या है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, ये बात बोली गई कि भाई इसमें जो सदस्य होंगे ना, वो उसको जो छोड़कर 6 परिषदों के 6 सदस्यों में से कमांडर चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी है। वायसराय की जो परिषद बनाई जाएगी उसमें 6 सदस्य होंगे, उसमें कमांडर चीफ को, सैनिक सेना के वो कमांडर को छोड़कर 3 सदस्य इंडियंस होंगे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। भाई देख लो, अब वो सबको देते जा रहे भैया, सिख है तो सिख को ही चुनाव लड़ेगा, ईसाई तो ईसाई चुनाव लड़ेगा, आंग्ल भारतीय यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के लिए, एक जने के लिए चुनाव व्यवस्था नहीं थी, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनके लिए लड़ते रहे, अंततः इन्हें वो चीज़ देनी पड़ी। कब, अभी आगे भी वो बात करेंगे। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया। इन्होंने मताधिकार का भी दे दिया भाई, कानून और कानून ने संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर, भाई कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, किन पे कितनी संपत्ति है, कौन कितना पैसा का टैक्स जमा करता है, उनको जो है दे दो, क्या दे दो, मत देने का अधिकार दे दो, मताधिकार। ठीक है, 1919 में गरीब हो तो तुम अभी मत नहीं दे पाओगे, अभी तुम गरीब हो, ठीक है, टैक्स भरते नहीं हो, खाम का मत दोगे, जानते हो नहीं, ऐसी बात ही है होगी इसमें। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। इस कानून ने लंदन में भारत के एक उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त की स्थानांतरित कर दिया। इसे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, भाई ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, अधिनियम था 1919, और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और क्या बात थी, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। भाई किसकी बात हो रही है, 1919 की, केंद्रीय बजट को राज्यों से बजट अलग कर दिया, और विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। अब ये कह दिया कभी अब विधानसभा अपना स्वयं अपना बजट बनाए। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी प्रस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, किस अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में। अब और बात कर लेते हैं, 1919 में क्या बात हुई थी भाई। ठीक है, ये सारी बातें 1919 के अधिनियम में हुई थी। अच्छा, जो 10 साल के लिए बनाई गई थी बात, 1919 में भाई 10 में 1929 हो जाएगा, है ना, 19 में अगर 10 साल जोड़ देंगे, जैसे 10 साल की बात करी थी कि 10 साल के गठन होगा, 10 साल के बाद एक आयोग का, लेकिन पहले ही एक आयोग गठित कर दिया गया जो साइमन कमीशन था, इसकी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने, हाँ यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने
1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व, 1919 में ये बात बोलेगी 10 साल बाद एक कानून बनाएंगे, लेकिन 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसके सदस्य सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। देखो सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली और राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखने की आदि की सिफारिश करी। आयोग के प्रस्तावों को आगे देखते हैं, देखें क्या होगा था फिर। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन किया गया। भाई ये बात यूँ ऐसे आ रही थी, 10 साल बाद एक आयोग किया गया, उसने कहा ये लागू होनी चाहिए, तो इस बात के लिए सभी लोगों ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि उसमें सभी ब्रिटिश लोग थे। और इस बात को मनवाने के लिए उन्होंने जो कांग्रेस से बात करी उसमें भी पार्टी थी और भी दल थे, जैसे कि अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाबा साहब थे और कांग्रेस थी और भी लोग थे, उनसे अलग अलग तरीके से बात करी, सिखों से भी बात करी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसके विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रमुख समिति के समक्ष रखा गया। कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम में अपना लिया गया। तो यहीं पे ये बात अपन लोग रखते हैं, कल और बात करेंगे। इसको पढ़ो आप, तैयार करो परीक्षाओं के लिए। ओके बाय।